तो इस प्रकार से थोड़े से अंगूर लेकर आप आसानी से घर पर शराब बना सकते हैं। हेलो, दिस इज केएमएस सर। हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर आज हम अल्कोहल यानी कि शराब बनाने की, अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि को पूरे स्टेप वाइज समझेंगे और पूरी तरीके से आपके दिमाग में बैठा दी जाएगी। आज हम देखेंगे कि अल्कोहल यानी कि एथिल अल्कोहल यानी कि शराब को हम कई तरीके से, इंडस्ट्रियल तरीके से, औद्योगिक तरीके से कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए देखिए, हम गन्ने के रस से भी बना सकते हैं और गन्ने के रस के साथ साथ हम आज अंगूर से यानी ग्रेप्स से भी शराब को बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम बात करेंगे गन्ने के रस से शराब को कैसे बनाएं, उसके बाद हम शराब गन्ने के रस से बनाने के बाद अंगूर से शराब को बनाना सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात करते हैं गन्ने के रस से शराब कैसे बनाएं। तो समझते चले स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपके पास आप गन्ने का रस ले लेते हैं, गन्ने का रस आप निकलवा लेते हैं, गन्ने के रस से आपको शीरा बना लेना है। जो आप गन्ने के रस से शीरा बनाएंगे, स्टेप वन, गन्ने के रस से जो आप शीरा बनाएंगे उस शीरे के अंदर आपकी लगभग 30 से 40% शुगर होती है, चीनी पाई जाती है उसके अंदर। इसको आप अलग तो कर नहीं सकते क्योंकि वो शीरे के अंदर घुली हुई है। गन्ने के रस से आपने शीरा बनाया, शीरे के अंदर 30 से 40% शुगर यानी कि चीनी होती है, जिसको क्या आप पृथक कर सकते हो? वो तो इसके अंदर डिजोल्व है, घुली हुई है, जिसको पृथक यानी कि अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इसका उपयोग ही हम इस ये जो चीनी होती है इसके अंदर, इस शुगर का उपयोग ही हम शराब बनाने में करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे पास शीरा है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास शीरा है इसके अंदर हम पानी मिला देंगे। पानी मिलाया, पानी क्यों मिलाया कि भाई जब पानी मिलाएंगे तो इसकी जो सांद्रता है वो, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सही हो जाती है पानी मिलाने के बाद। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ मात्रा में मिला देंगे बच्चों H2SO4, कुछ मात्रा में H2SO4 भी मिला देंगे, तीसरी चीज ऐड कर दी हमने। अब क्या करेंगे, H2SO4 मिलाया, H2SO4 क्यों मिलाया, जिससे इसका पीएच जो है वो सही हो जाए, इसका पीएच ठीक हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मिला देंगे इसके अंदर कुछ मात्रा में खमीर को। आपको मालूम है खमीर के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों, यानी कि यहीं से शराब बनने की असली कहानी शुरू होगी। खमीर के अंदर दो एंजाइम पाए जाते हैं, क्या, एक आपको मालूम होगा इनवर्टिस, एक एंजाइम होता है इसके अंदर जाइमेस। और खमीर जो है इसके अंदर यीस्ट का प्रोडक्शन होता है, खमीर के अंदर पाई जाती है यीस्ट। आप चाहे तो पहले क्या किया, आपने शीरा ले लिया, पानी मिलाया, H2SO4 मिलाया, इसके अंदर खमीर मिला दिया। कुछ चाहे तो आप बाजार से, मार्केट से भी खमीर को एक्स्ट्रा खरीद करके ला सकते हैं, वहां से भी यीस्ट आपको मिल जाएगी, उसके अंदर मिला दें। और मिलाने के बाद अब क्या करना है, बस अब आपको इसको बंद कर देना है, इस वाले पोर्शन को, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में आपने रखा है उस बर्तन को आपको बंद कर देना है। अब बंद कर देंगे तो किण्वन शुरू हो जाता है, किण्वन शुरू हो गया, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया। किण्वन का मतलब क्या है कि भाई जो एंजाइम है इसके अंदर इनवर्टेस और जाइमेस, वो इसके अंदर काम अपना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो आपके पास अल्कोहल और ये सब कुछ मिक्सर है वो धीरे धीरे शराब में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको इतना बंद कर देंगे कि वायु ना जा पाए। ध्यान रखें, अगर आपके पास वायु चली गई इस मिक्सर में, इस बर्तन के अंदर, ये जो आपने पूरा बर्तन ले रखा है इसके अंदर अगर वायु चली गई तो वो आपका शराब नहीं बनेगा, वो शराब बनेगी तो वो खट्टी हो जाएगी, और खट्टी होने का मतलब वो धीरे धीरे सिरका बन जाएगा, आपके पास विनेगर बन जाएगा। आपको बंद कर देना है बस। और कितनी दिन के लिए, लगभग लगभग आप मान लीजिए 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2-3 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद फिर आप देखेंगे कि इसका जो किण्वन है वो पूरा हो जाता है। अब किण्वन पूरा हो गया, अब किण्वन जब पूरा हो गया तो इसके अंदर जो एंजाइम पाए जा रहे हैं, पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है, इनवर्टेस। इनवर्टेस एंजाइम क्या करेगा, जो आपके पास ये बर्तन में भर रखा है अपने मिक्सर, इसके अंदर सबसे मुख्य पदार्थ क्या है बच्चों, शुगर, सुक्रोस। तो वो जो एंजाइम है, जो इनवर्टेस एंजाइम है, वो सुक्रोस को क्या करता है, वो सुक्रोस को, इनवर्टेस एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अगर समीकरण लिखना चाहे सुक्रोस का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं हम, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग C12H22O11, और इसके अंदर जल होता है H2O, और ऊपर लिख देंगे हम इस तरीके से इनवर्टेस, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसके बाद जो दूसरा एंजाइम होता है जाइमेस एंजाइम, वो एंजाइम क्या करेगा, देखिए जो आपके पास अब ये बन चुकी है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, वो जो जाइमेस एंजाइम होता है, वो जाइमेस एंजाइम इस
ग्लूकोज को परिवर्तित कर देता है एथिल अल्कोहल में। इसको हम इस तरीके से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास हम लिख सकते हैं C2H5OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। आपको मालूम है जब ये सांस लेते हैं ना दोनों एंजाइम, जो ये जाइमेस जब सांस लेगा तो CO2 छोड़ेगा, इस तरीके से इसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2-2 लगा दे और यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये जो एथिल अल्कोहल हमारे पास प्राप्त हुई है, मतलब कि ये जो हमारे पास मिक्सर बना है, यानी कि इसको किण्वन करने के बाद ये जो हमारे पास जो चीज हमारे पास शराब प्राप्त हुई है, इसको बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्टिल कर देते हैं। डिस्टिल करना आप जानते हो आई होप, तो इसके बाद हमें शराब प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से हमें जो प्राप्त होती है, मतलब जितना हमने वो मिक्सर लिया है, ये टोटल मिक्सर, इस तरीके से हमें केवल यहाँ पे 8 से लेकर 10% तक शराब प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज आई होप आपको याद होगी होंगी। तो जो सभी स्टेप्स हमने अल्कोहल बनाने के सीखे, उन स्टेप्स को मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ, याद कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे पेपर में कि गन्ने के रस से सीरा प्राप्त कर लेते हैं और सीरे में 30 से 40% शुगर होती है जिसको पृथक नहीं कर सकते, इसलिए इस शुगर का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। फिर इस सीरे को एक बर्तन में डाल लिया जाता है और इस सीरे में पानी मिला दिया जाता है जिससे इसकी सांद्रता सही हो जाती है। फिर इसमें H2SO4 मिला दिया जाता है जिससे इसका पीएच सही हो जाता है और इसमें फिर खमीर मिला दिया जाता है और इसमें अतिरिक्त मात्रा में यीस्ट भी मिला सकते हैं। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेस और जाइमेस, और इसके बाद इस बर्तन को बंद करके छोड़ देते हैं जिससे इसमें वायु प्रवेश ना कर जाए। अगर इसमें वायु प्रवेश कर जाती है तो ये आपकी खट्टी शराब बन जाती है जिससे ये सिरके में परिवर्तित हो जाती है। और इसको जब बंद करके रख दिया जाता है तो किण्वन की क्रिया शुरू हो जाती है और 2 से 3 दिन के अंदर ये किण्वन होने लगता है। इस प्रकार से हमारे पास शराब प्राप्त हो जाती है। और ये बताया गया कि इसके अंदर जो 2 एंजाइम होते हैं उनमें इन्वर्टेस एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और जो जाइमेस एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से हमें 8 से 10% अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। अच्छा, यही पे एक शब्द आपने देखा था किण्वन। किण्वन ये क्या होता है, किण्वन के बारे में भी जान लीजिए। देखिए किण्वन क्या होता है, किण्वन का मतलब होता है जैसे आपके पास आपने अंगूर ले लिए या गन्ने का रस ले लिया, कोई भी बड़े बड़े पदार्थ आपने ले लिए, तो जो बड़े पदार्थ होते हैं, जो आपके पास एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, एंजाइम का मतलब सूक्ष्म जीव, वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मतलब बड़े पदार्थों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। अच्छा, किण्वन ऐसे नहीं है कि जनरली कभी भी हो जाए, बल्कि किण्वन के लिए तो वायु नहीं होनी चाहिए, अगर वायु होगी तो भी किण्वन नहीं होगा। मतलब किण्वन वायु की अनुपस्थिति में होता है और इसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चलिए इस बात को समझने के बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं, अब अंगूर से शराब बनाएंगे हम। उससे पहले जान रहे हैं जो कि अंगूर से, अब अंगूर आपके पास जब पक जाते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए जब अंगूर बहुत ज्यादा पक जाते हैं तो जनरली वो गल जाते हैं और उनके ऊपर एक लेयर पैदा होने लगती है। जब अंगूर ज्यादा पक जाते हैं तो उनके ऊपर एक लेयर जमा होने लगती है। फिर हम क्या करेंगे, और इसके ऊपर यीस्ट जमा होने लगते हैं या इसके अंदर हम एक्स्ट्रा मात्रा में यीस्ट मिला देते हैं, और आप चाहें तो एक्स्ट्रा मात्रा में शुगर चीनी भी मिला सकते हैं अपने अनुसार। तो क्या कर रहे हैं हम, जब अंगूर ज्यादा पक जाते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर पैदा हो जाती है जिससे उस पर यीस्ट वृद्धि करने लगते हैं और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा यीस्ट और शुगर भी मिला सकते हैं। बस फिर इन अंगूरों को हम कुचल लेते हैं और कुचलने के बाद बंद बर्तन में डाल लेते हैं और बर्तन को फिर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है जिससे उसमें वायु प्रवेश ना कर जाए। बस इसके बाद आपका किण्वन शुरू हो जाता है और किण्वन शुरू होने के बाद आपकी शराब तैयार हो जाती है। इस तरीके से ये जानकारी आप लिखेंगे पेपर में, अगर आता है कि अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि लिखिए तो आप सबसे पहले लिखेंगे गन्ने के रस से, दूसरा मेथड आप लिखेंगे अंगूर से। चलिए अब देख लेते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण, डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ये क्या होता है। देखो आपके पास कई बार देखा होगा आपने अल्कोहल, उसके अंदर कलर पाए जाते हैं, बहुत रेड बियर होती है या अलग अलग तरीके की होती है, उसका कलर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एथिल अल्कोहल है, तो एथिल अल्कोहल यानी कि ये जो शराब है इसके अंदर हम कॉपर सल्फेट जैसे पदार्थ मिला देते हैं, CuSO4 जैसे पदार्थ मिला देते हैं। क्यों, क्योंकि रंग बढ़ाने के लिए। तो एथिल अल्कोहल में कई बार रंग बढ़ाने के लिए कॉपर सल्फेट जैसे पदार्थ को मिला दिया जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो फिर ये पीने लायक नहीं बचती, ये पीने के अयोग्य हो जाती है। मैंने क्या बताया कि जब एथिल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट जैसे पदार्थ मिलाए जाते हैं रंग बढ़ाने के लिए तो ये अल्कोहल पीने के अयोग्य हो जाती है, इस क्रिया को ही एथिल अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं।